अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगी क्रीमी जूसी चिकन ब्रेस्ट पीस, जो कि बहुत ही झटपट बन जाएगा बहुत ही कम चीज़ों के साथ और बहुत ही ज़्यादा जूसी, बहुत ही ज़्यादा मज़े की आपकी रेसिपी तैयार होगी बनके, जो कि आप इसे वेट लॉस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप वैसे भी इसको खा सकते हैं। तो चलिए जी, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने 3 ब्रेस्ट पीस ले लिए हैं और 3 ब्रेस्ट पीस को अच्छे तरीके से धो के तो हम इसको फोक के साथ थोड़ा सा कूट लेंगे, थोड़ा सा इसमें सुराख कर लेंगे ताकि जो हम इसमें स्पाइसेस लगाएंगे वो इसमें अच्छे तरीके से चले जाएं। दोनों साइड पे हम इस तरीके से कर लेंगे और बहुत ही कम स्पाइसेस में बनेगा ये, बहुत ही मज़ेदार सी आपकी रेसिपी बनके तैयार होगी। और यहाँ पे जी सॉल्ट हम थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे, हम बिल्कुल थोड़ा सा, एक चुटकी के बराबर तीनों पीसीस पे, और एक चुटकी के बराबर ब्लैक पेपर हम तीनों पीसीस पे स्प्रिंकल कर देंगे एक साइड पे, और एक चुटकी ही हम रेड पेपर तीनों पीसीस पे एक साइड पे हम स्प्रिंकल कर देंगे। सेम यही प्रोसेस हम दूसरी साइड पे करेंगे, साइड को चेंज करके सॉल्ट, ब्लैक पेपर और थोड़ी सी रेड पेपर। और इसको हम ज़्यादा देर के लिए मैरिनेशन के लिए नहीं रखेंगे, फ़ौरन ही हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो जी तवे को रख लेते हैं चूल्हे पे, फ्लेम को ऑन कर दिया, फ्लेम मीडियम टू लो रहेगा आपका। और यहाँ पे जी थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर दिया, पूरे तवे पे हम इसको स्प्रेड कर देंगे और इस पर हम जो पीसीस हमने मैरिनेट करके रखे थे वो हम इस पर डाल देंगे। 5 मिनट के लिए एक साइड से कुक करेंगे, 5 मिनट के लिए दूसरी साइड से, और बहुत ही जल्दी ये ब्रेस्ट पीस आपको पता है कि तैयार हो जाते हैं, पक जाते हैं। ज़्यादा देर इसको नहीं पकाना वरना ये सख्त हो जाएंगे, जूसी नहीं रहेंगे। अगर आपने इसको जूसी बनाना है तो सिर्फ आपने टोटल 10 मिनट के लिए इसको कुक करना है और फिर आपने इसको उतार लेना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं इसका कलर भी। और अब हम इसकी सॉस तैयार कर लेंगे, ये पीस हमारे तैयार हो चुके हैं। तो चलिए जी सॉस तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया, 1 लहसुन का जवा इसमें चला जाएगा चॉप किया हुआ, 1/2 टीस्पून ज़ीरा इसमें चला जाएगा, इसको हम थोड़ी देर के लिए हिला लेंगे चंद सेकंड्स के लिए। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखा है अभी, और 1/2 छोटी प्याज इसमें बिल्कुल बारीक चॉप की हुई वो चल जाएगी, इसको थोड़ी देर के लिए हम हिला लेंगे। और यहाँ पे जी थोड़ा सा पानी चला जाएगा ताकि प्याज अच्छे से गल जाए। 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे, 1/2 टीस्पून रेड पेपर डाल देंगे और 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी इसमें जाके, तो हम इसको मिक्स करके थोड़ा सा पानी मज़ीद डाल देंगे ताकि मसाला इसमें जले ना, और हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा मज़ीद पानी हम डालेंगे, तकरीबन 1/2 कप के करीब, क्योंकि हमें सॉस बनानी है और फिर उसमें 4 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम चली जाएगी, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पे सॉस थोड़ी सी गाढ़ी चाहिए, थिक चाहिए, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लेके उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके वो इसमें ऐड कर सकते हैं, उसे थोड़ी सी थिक बन जाएगी। अभी आप कंसिस्टेंसी इसकी देख सकते हैं, पकने के बाद 3 से 4 मिनट पकने के बाद इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाएगी। अगर इससे ज़्यादा थिक चाहिए आपको तो आप कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। अब हम इसमें चिकन ब्रेस्ट पीसीस जो हम तैयार करके रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे और 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद इसको हम पका लेंगे थोड़ा सा जूसी बनाने के लिए। इसको अच्छे तरीके से डिप करना है, 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम इसको पकाएँगे और हमारी रेसिपी बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगी बहुत ही झटपट, बहुत ही आसानी के साथ। और यहाँ पे हम थोड़ी सी वेजिटेबल्स को सौते कर लेंगे। थोड़े से ऑयल में मैंने थोड़ी सी प्याज ली है, 1/2 प्याज, 1/2 गाजर और 1/2 ही शिमला मिर्च जूलियन कट में मैंने कट करके, वो हम इसको साइड पे रखेंगे। सिर्फ आपने 1 से 2 मिनट के लिए इसको सौते करना है, ज़्यादा देर इसको नहीं पकाना। तो चलिए जी, डिश आउट करने का टाइम है हमारी मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि बनके बहुत ही जल्दी तैयार हो चुकी है। चिकन के पीस हम रखेंगे, ब्रेस्ट पीस, और उसके ऊपर हम सॉस डाल देंगे जो क्रीमी है, बहुत ही मज़ेदार सी है। और साथ में हम थोड़ी सी वेजिटेबल्स रखेंगे जो हमने सौते करके रखी थी, और साथ में थोड़े से चावल बॉईल करके, ये ऑप्शनल है, अगर आप इसके साथ खाना चाहते हैं तो आप थोड़े से चावल, सिंपल चावल बॉईल करके वो आप इसमें रख सकते हैं। तो आपकी मज़ेदार सी रेसिपी आज की तैयार है। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में।